दिव्या हाँ? एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो। मुझे एक अर्जेंट ऑफिस मीटिंग पर जाना है और मैं 3-4 दिन बाद ही आऊंगा। क्या 3-4 दिन की मीटिंग? पर आज तो संडे है ना, आज कौन सी मीटिंग में जाना है आपको? अरे वो थोड़ा अर्जेंट है, अभी अभी बॉस का मैसेज आया है, तो तुम फटाफट चाय बना दो और मेरा बैग तैयार कर दो। ठीक है, मैं कर देती हूँ। आज तो मैं इसे और इसके असी को रंगे हाथ पकड़ के ही रहूंगा। हेलो प्रदीप, तुम्हें पता है आज तो भगवान भी हमारा साथ दे रहा है। 3-4 दिन के लिए विकास अचानक किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। अब हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है और हमें चोरी छिपे मिलने की भी जरूरत नहीं है। तुम सीधे घर पे आ जाओ, ठीक है? और हम आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। उनके जाते ही मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, तुम घर पे आ जाना, ठीक है? अरे यार, इतना टाइम हो गया मैसेज किए हुए, अभी तक आया क्यों नहीं प्रदीप? अरे तेरा पति सच में चला गया है ना? अरे हाँ, ऐसी बात के लिए मजाक थोड़ी करूंगी मैं। पूरे 3-4 दिन तक वापस नहीं आने वाला वो। काफी दिनों से ना वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में घर पे ही पड़ा हुआ था, अब कहीं जाके बाहर गया है। अब ना हमें कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ यार, काफी दिनों से हम लोग ना मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि तेरा पति घर पे ही था ना, और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और आज वो नहीं है तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम आराम से टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। दिव्या कौन है ये? ये दोस्त है मेरा, अचानक मिलने आ गया, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू अपने दोस्तों को मेरे घर पे बुलाएगी? अरे नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? भैया वो मैं तो जयपुर किसी काम से आया था, तो मैंने दिव्या को कॉल कर दिया, तो इसने मेरे को बोला कि मेरे पति घर पे नहीं है तो तुम आज मत आना। मैंने बोला यार दोस्त हूँ, वो क्या ही बुरा मानेंगे, तो इसलिए मैं चला आया। लेकिन आप तो काफी बुरा मान रहे हो, सॉरी भैया, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं चला जाता हूँ। साले, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है, मुझे सब पता है। ये क्या बोल रहे हो आप? आप मुझ पे शक कर रहे हो? आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपका दिल दुखे, और उसके बाद भी आप इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। अरे ये तो कोइंसिडेंस था कि ये जयपुर आया हुआ था और हमसे मिलने आ गया। आप घर पे नहीं थे तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको कम से कम मुझ पे भरोसा तो करना चाहिए। बस दिव्या, मैंने भरोसा किया था तुम पे, खुद से ज्यादा भरोसा करता था मैं तुम पे, लेकिन तुमने ना मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। मुझे तो आज पता चला है कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब करती हो। मैं हमेशा सोचता था कि जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तो तुम्हारे ज्यादा कॉल या मैसेज क्यों नहीं आते, और जब भी आते हैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछती हो कि वापस कब आओगे। अब समझ में आया, मेरी पीठ पीछे ये आता होगा घर पे। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं आपको ज्यादा कॉल इसलिए नहीं करती थी कि आप काम पर जाते हो तो आपको डिस्टर्ब ना हो, और आपका इंतजार रहता था इसलिए आपको कॉल करके पूछती थी कि कब आओगे। पर आप तो मेरी हर बात को उल्टा लेकर जा रहे हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम खामखा मुझ पे शक कर रहे हो, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मत आओ घर पे, मेरे पति घर पे नहीं है। तुमने यहाँ आके ना हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवा दी। जाओ यहाँ से बाहर निकलो। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम अपनी ये ड्रामेबाजी बंद करो। मुझे ना सब पता है, तुम लोग जब सुबह वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे ना, तो मैंने वहाँ पे मिरर लगा रखा था और मैंने सब कुछ देख लिया। ये उधर से फ्लाइंग किस कर रहा था, तुम इधर से फ्लाइंग किस कर रही थी, ये सब दोस्ती में तो नहीं होता। अरे दिव्या शर्म करो, तुम मेरी पीठ पीछे ये सब करते हो। मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की थी, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, तो फिर कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ गई। विकास मुझे माफ कर दो, वो बात ये है कि हम दोनों का शादी से पहले अफेयर चल रहा था। मैं तो तुमसे शादी करना भी नहीं चाहती थी, घर वालों ने करवा दी, और शायद इसलिए मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाई और इससे बातें करती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, और ये वाली बात किसी को मत बताना। मैंने तुमसे शादी से पहले 1000 बार पूछा था कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं है, तुम इस शादी से खुश तो हो, तब तो तुमने कहा था कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और आज शादी के 2 साल बाद तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर था। तुमने ना अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह पाऊंगा, चले जाओ यहाँ से, और तलाक के पेपर तुम तक पहुँच जाएंगे। क्या तलाक?